मैदे की खस्ता निमकी बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो चाय के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और उसे भी मैं दो तरह से बना कर आपको दिखाऊंगी, दो डिजाइन के बनाऊंगी। खस्ता निमकी बनाने के लिए एक कटोरी मैदा ली हूँ, हाफ छोटी चम्मच अजवाइन और काला जीरा है। आप चाहे तो खाली केवल काला जीरा भी डाल सकती हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी और दो चुटकी नमक। आप जिस क्वांटिटी में मैदा ले रही हैं उस क्वांटिटी में नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए, नमक इसमें कम ही पड़ता है। और मोयन के लिए घी या रिफाइंड जो आप चाहे ले सकती हैं, घी का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है और खास्ता भी काफ़ी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम मैदे का डोइंग बना लेते हैं। मैदे को एक बॉल में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। नमक डाल देती हूँ। नमक आप बहुत हिसाब से डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाने पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। कसूरी मेथी को हाथों से हल्के इस तरह से क्रश करके मिला देंगे। इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा लगता है निमकी में। अजवाइन मंगरेला, इसे भी थोड़ा सा हाथों में इस तरह से क्रश करते हुए मिला देंगे। अब इसमें घी या रिफाइंड जो आपके पास अवेलेबल है उसका मोयन डाल देती हूँ। 3 से 4 चम्मच मोयन डाल दूँगी, अगर कम लगेगा तो फिर से उसको और मोयन डालूँगी। पहले इसको मिला करके देख लेती हूँ, इस तरह से अच्छे से इसे मिला लेना है। मोयन आप अब जितना अच्छे से मैदे में मिलाएंगे आपका निमकी उतना ही खास्ता बनकर तैयार होगा, इसलिए मोयन को अच्छे से आप मैदे के साथ मिक्स कीजिए इस तरह से। हमें इसे अच्छे से ऐसे ऐसे करके मिक्स कर लेना है। मैदे में मोयन को अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। देखिए इसका एक डो, अच्छा सा डो बनने लगा है। इस तरह से हमको मैदे में मोयन चाहिए। अगर कम होगा तो आपका निमकी खास्ता नहीं बनेगा, इसलिए इतना मोयन होना चाहिए। अब इसमें हल्का गुनगुना पानी लेकर थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। डो हमारा जितना सख्त होगा उतना अच्छा हमारा निमकी बनेगा। इसे अच्छे से हल्के हल्के हाथों में से इस तरह से मैं मिलाते हुए एक डो तैयार कर लेना है। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही डालिए, क्योंकि ज़्यादा डालने पर यह गीला हो जाएगा और आपका डो सही नहीं बनेगा। इस तरह से इसे अच्छे से मिलाते हुए एक टाइट डो बना लेना है। ये देखिए मैदे का एक टाइट डो बनाकर तैयार कर ली हूँ। डो हमारा बिल्कुल सख्त है, ये देखिए इस तरह से इसे अच्छे से मिला भी लेना है। इसे अच्छे से गूंथ लें। डो हमारा बनकर तैयार है। इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। इसके बाद मैं निमकी काटूंगी। मैदे का डो तैयार किए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब निमकी बना लेते हैं। निमकी बनाने के लिए जो डो तैयार किए थे उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। एक पार्ट से एक तरह के डिज़ाइन की निमकी बनाऊंगी और एक पार्ट से दूसरे तरह की। अब इसे सरफेस पर इस तरह से अच्छे से मसलते हुए पतला बेल लेना है। पहले इसको अच्छे से मसल लेंगे। और इसको बिल्कुल पतला बेल लेंगे।
इसको बेलते समय आप मैदे का यूज़ बिल्कुल ना करें, बस इसी तरह से, चूँकि इसमें मोयन काफ़ी अच्छे से पड़ा है, ये अच्छे से बिलकर तैयार हो जाएगा। इसे जितना पतला आप बेल सकती हैं उतना पतला बेल लें, अगर आप मोटा नीमकी चाहती हैं तो मोटा भी बना सकती हैं, लेकिन मैं अभी बिल्कुल पतला नीमकी बना रही हूँ। इसे इस तरह से बिल्कुल पतला अपनी तरफ टांगते हुए बेल लीजिए। लोई को बिल्कुल पतला बेल ली हूँ, ये देखिए इस तरह से। अब इसे कटिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले जो साइड में थोड़े कटे उठे हैं उसे काट कर निकाल देती हूँ, ताकि हमारा जो नीमकी बने एक साइज में अच्छा बनेगा। इसे दूसरे डो के साथ ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब इसे थोड़े चौड़े में, आप जो शेप देना चाहती हैं उस शेप में काट सकती हैं, लेकिन नीमकी का डायमंड शेप ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। इस तरह से आप सारे को काट लीजिए। आप चाहें तो पिज़्ज़ा कटर से भी इसको कट कर सकती हैं, लेकिन मैं अभी नाइफ से ही कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से सबको काट लेना। अब इसे इस तरह से डायमंड शेप में इसे धीरे धीरे करके इस तरह से उठा लूंगी। ये जो मुड़ रहे हैं इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये जब तेल में जाएंगे गरम तेल में तो अपने आप पूरी तरह से अलग अलग हो जाएंगे। एक साथ सबको उठाकर मैं एक प्लेट में इसे इन्हें रख देती हूँ। ये देखिए एक डिज़ाइन से मैं नीमकी बना चुकी हूँ, अब दूसरे डिज़ाइन से मैं नीमकी बनाती हूँ। दूसरा वाला जो लोई था उसे ले लेती हूँ और अच्छे से इसे सरफेस पे मिला ले रही हूँ, और जो बचे हुए नीमकी के जो उसमें से कट गए कटे हुए नीमकी के एक्स्ट्रा पार्ट थे उसे भी एक साथ मैश कर मिला ली हूँ। और इसे भी हमें बिल्कुल पतला बेल लेना है, जैसे पहले नीमकी के लिए बेली थी उसी तरह से इसे भी बिल्कुल पतला बेल लूँगी। इसमें भी हमें मैदे का, सूखे मैदे का यूज़ नहीं करना है, बस इसी तरह से आप बेलिए बिल्कुल पतला। लोई को बिल्कुल पतला बेल ली हूँ। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी या रिफाइंड जो भी आपके पास है उसे अप्लाई कर देती हूँ। इस तरह से चारों तरफ अच्छे से मिला देना है। आप चाहें तो ब्रश की सहायता से भी इसे इस तरह से मिला सकती हैं, हाथों से अच्छे से मिल जाते हैं इसलिए हाथों से ही इसे चारों तरफ मिला रही हूँ। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा इस तरह से चारों तरफ छिड़क देती हूँ और इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से चारों तरफ मिला दूंगी। अब इसका बिल्कुल टाइट इस तरह से रोल एक तैयार कर लूंगी। इस तरह से टाइट है बिल्कुल, इस तरह से मोड़ लीजिए। और इसे हाथों से अच्छे से थोड़ा प्रेस करते हुए, ताकि अच्छे से इसका जो अंदर में एयर है उसे वो निकल जाए, इसे अच्छे से हमें दबा कर थोड़ा सा अच्छे से रोल कर लेना है।
अब इसके साइड के कटिंग को पार्ट को थोड़ा थोड़ा कट कर देती हूँ। इससे फिर थोड़ा सा पूरी निमकी बना दूंगी और इसका एक बराबर साइज का लोई काट लेती हूँ इस तरह से। और ऐसे हाथों की सहायता से इस तरह से एक पेड़े का सेप दे दूंगी। अच्छा है तो इस तरह से इसको हल्के हाथों से दबा दीजिए तो एक पेड़े के रूप में आ गया। इस तरह से सारे को एक पेड़े के शेप में दे देना है। ये देखिए सारे लोई को एक पेड़े के रूप में तैयार कर ली हूँ। अब इसे साइड करके इसे बेलेंगे। इसे भी हमें बिल्कुल पतला बेलना है। इससे आपकी परतदार निमकी बनकर तैयार होगी। इस तरह से बिल्कुल पतला बेलें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी या रिफाइंड जो आपके पास अवेलेबल है वो थोड़ा सा इस तरह से फैला दीजिए और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सूखा मैदा इस तरह से अप्लाई कर दूंगी। चारों तरफ अच्छे से मिला दी हूँ। इसे अब हाफ मोड़ देती हूँ। इसके ऊपर भी थोड़ा सा घी या रिफाइंड चारों तरफ अच्छे से मिला देना है और थोड़ा सा सूखा मैदा इस तरह से हमें डाल देना है और इसे फिर ट्रायंगल शेप में मोड़ देती हूँ और इसे बेल लेना है इस तरह से। ये जो नमक निमकी तैयार होगी बहुत ही परतदार और अच्छी निमकी तैयार होगी। इसे भी इस तरह से भी आप बना सकती हैं। इसी तरह से सारे निमकों को बना कर तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद डीप फ्राई करूँगी। सारे निमकी बनाकर तैयार कर ली हूँ। देखिए दो तरह के हमारे निमकी बनकर तैयार हैं, ट्रायंगल शेप में और डायमंड शेप में। तो चलिए इसको डीप फ्राई कर लेती हूँ। एक कढ़ाई में तेल या घी जो चाहें आप गर्म कर लें, बिल्कुल गर्म होना चाहिए तेल। चेक कर लेती हूँ तेल हमारा गर्म है कि नहीं। तेल हमारा पूरी तरह से गर्म हुआ है। इसे गर्म तेल में ही हमें निमकी को डालना है। चलिए सबसे पहले एक तरह की निमकी को फ्राई करके देख लेती हूँ। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देती हूँ, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल जाएगा। अब इसे हमें लो टू मीडियम गैस फ्लेम पर ही डीप फ्राई करना है। निमकी हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हमें बस इतने पर ही निकालना है, इसे बहुत डीप ब्राउन नहीं करना है। इस तरह से इसे निकाल लेंगे सारे। सारे निमकी को प्लेट में निकाल ली हूँ। चलिए दूसरे टाइप वाले निमकी जो ट्रायंगल शेप में बनाई थी इसे डीप फ्राई कर लेती हूँ। एक साथ
दो से तीन डाल देती हूँ, जितना आपका ऑयल है उतना ही डालिए, ज़्यादा ना डालिए। इसे भी जब डालेंगे तब हाई फ्लेम में डालेंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रहना चाहिए। उसके बाद फिर लो टू मीडियम गैस पे इसे डीप फ्राई करेंगे, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तलेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देती हूँ और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लेती हूँ। ये नीमकी भी हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे भी निकाल लेती हूँ। और बाकी इतने सारे नीमकी हमारे को उसे डीप फ्राई कर लूँगी। एक बार में ज़्यादा नीमकी ना डालें, जितना आपका ऑयल है उस हिसाब से ही उसमें डालें, ताकि अलग अलग वो ये अच्छे से डीप फ्राई हो सके। और जब भी इसे ऑयल में डालें तो गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखें, उसके बाद गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर दीजिए। लो टू मीडियम गैस पे दो से तीन मिनट पकने के बाद ये अपने आप बिल्कुल तरह से हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो इसे आप एक प्लेट में निकाल लीजिए। ये देखिए, इसी तरह से सारे नीमकी को हम डीप फ्राई कर लेंगे। और मेरी वीडियो को आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए, इसी तरह से सारे नीमकी को तैयार कर लेती हूँ। सारे नीमकी को छान ली हूँ। ये देखिए नीमकी हमारे कितने खास्ता बने हैं, बिल्कुल खास्ता, बहुत ही इसके आवाज़ भी कितने अच्छे आ रहे हैं। बहुत ही खास्ता नीमकी हमारे बनकर तैयार हुए हैं। दोनों ही नीमकी हमारे काफ़ी खास्ता बने हैं। आप इस प्रोसेस से नीमकी बनाइए, मार्केट से भी अच्छे नीमकी आपके बनकर तैयार होंगे। और इसको ज़रूर बनाकर एक बार आप ट्राई कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।